हाय हाय, क्लासिक लेवल का शॉट। सिपाही तय कर सकता है, कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात से में। दोस्तों क्या हालचाल, सब बढ़िया ना? दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं स्टाइलिश स्टार आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर लेवल वाली फिल्म लेटेस्ट फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट वन के मास क्लाइमेक्स सीन पर, वो भी हिंदी में। आप लोगों ने भर भर के कमेंट करे कि यार तेलुगु में बना दिया, हिंदी में कब बना रहे हो, तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो। थोड़ा सा लेट है, फटाफट से कर दो लाइक और फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट जल्दी से। मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। ओए अरे 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 क्या कर रहा सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गए लिए है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। डराना जरूरी था पुष्पा, कभी तो थारे भेजे में बात पड़ी के मारी के इज्जत है। करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे थे। नहीं पूरा निकला, मैं फोन करता हूँ। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिका जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर, मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया, ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा। सर वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई, आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होगी, मेरा बच्चा कभी होगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए मतलब नहीं। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है, मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल गई। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है सर। पर जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा ये ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। भाई ड्रामा नहीं करेगा, आपके घर में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा? उस दिन आपने कुछ कम है कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया, मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपकी रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ इसी में, दिखाओ। एक और दो और तीन और चार और पांच, पांच और एक छह हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें छह गोलियां ही हो गए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है, वही गोली इसमें जाती है। ओहो क्या सीन है बॉस, पावरफुल। अब आएगा मजा। आपको मालूम है क्या है सर, ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते, ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड।
ओए होए 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 जबरदस्त शेखावत सर भूतनी के अबे सड़ेले तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा ये जो ब्रांड है ना ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा मालूम गाय को मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था लेकिन आज मैं झुकेगा नमस्ते साहब और पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा हाँ शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था जो तू हमारे साथ कर रहा है ना उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने अरे चुप सरकारी नेवले चल शर्ट उतार पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है पावर सिंह पावर सिंह शेखावत अच्छा इसी बात पे पैंट उतार पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था कितना मजा आएगा पता है चल ये होता है क्लाइमेक्स यार मजा आ गया सीरियसली स्टाइल है बॉस अब समझ में आया कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है मालूम है क्या अपनी जिंदगी ऐसी फटे हाली में शुरू हुई थी एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर हाय हाय क्लासिक लेवल का शॉट वही तय कर सकता है कपड़े हो या ना हो अपनी औकात सेम है मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता कैरेक्टर में होता है सही बात है भाई तो शेखावत सर ये गोष्ट भेजा फिट कर जो माल जाना होगा जाएगा जो पैसा आना होगा आएगा पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा बाकी सब मैं छीन लेगा सुहा गया अला मोटा शाला मजा होय 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 बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया ए दफी चुप कर बोलना चुप सब जीते हैं ना
पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। ओहो पैसे वाल लगा दी भाई ने यार। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। फायर। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। कद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा फट गया। सामने कोई भी हो मैं चुके जाना है। सीन है बॉस, मजा आ गया यार। अगले पार्ट में आएगा मजा। पुष्पा द रूल्स दोस्तों, इससे जबरदस्त लेवल वाला क्लाइमेक्स हो ही नहीं सकता। कुछ अलग हटकर जिसमें मार धाड़ बिल्कुल भी नहीं है, पर अल्लू अर्जुन का स्वैग है ना बहुत ही जबरदस्त लेवल वाला है यार। अल्लू अर्जुन का स्वैग है इन दिनों लोगों के ऊपर इतना खुमार चढ़ा हुआ है अल्लू अर्जुन के स्वैग का यार। मतलब आप क्रिकेटर्स की बात कर लो, सेलिब्रिटीज की बात कर लो, रील्स पे रील्स बनाए जा रहे लोग यार। मतलब इतना जबरदस्त लेवल का स्वैग चढ़ा हुआ है सबके ऊपर यार। मतलब बहुत जबरदस्त लेवल वाला क्लाइमेक्स सीन, सीरियसली इससे अलग हटकर हो ही नहीं सकता। इससे बेटर आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त लेवल वाला यार। कोई भी मार नहीं है, कोई भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर जो इतना क्लासिक लेवल का है ना उसका तो कोई नहीं, मतलब मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं। इज्जत और सम्मान की लड़ाई में हमेशा इज्जत और सम्मान ही जीतता यार। मतलब गजब लेवल का यार बनाया है यार। मतलब जिस तरीके से अशोक कुमार सर का डायरेक्शन देखने को मिला यार हमें इस क्लाइमेक्स के अंदर, बहुत ही जबरदस्त लेवल वाला यार। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करी, पर जो पावरफुल लेवल का यार मतलब काम करके दिखाया अल्लू अर्जुन ने। और दूसरी तरफ फवाद फासिल यार, भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर में तो इतने जबरदस्त फिट बैठ रहे हैं। नेशनल अवार्ड विनर है यार। मतलब कोई भी रोल निभाएंगे ना तो A1 लेवल का निभाते हैं यार। एक तरफ अल्लू अर्जुन, दूसरी तरफ फवाद फासिल यार। दोनों की जो भिड़ंत है ना, आपसी जो कॉन्वर्सेशन है यार, कपड़े उतार के जो साइड में रखे ना यार, मतलब इंसान के कपड़ों से उनकी जो इज्जत है ना, कैरेक्टर से इज्जत आती है। ब्रांड जो होता है कैरेक्टर में होता है, ये सब कुछ पुष्पा भाऊ ने बताया। बहुत ही जबरदस्त लेवल वाला क्लाइमेक्स सीन, बहुत मजा आया मुझे इस पर रिएक्शन बनाते। हमने तेलुगु में पहले बना चुके हैं, तेलुगु में मास इंट्रोडक्शन सीन पे बना दिया, मास फाइट पे बना दिया, इंटरवल सीन पे बना दिया, सब पर हमने बनाया। आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आपके लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, फटाफट से चेकअप करो। आप लोगों ने बहुत फरमाइश करी कमेंट करके भर भर के, मतलब क्या भैया हिंदी में कब आ रहा है। हिंदी में आपके लिए आज वीडियो टाइम पर आ चुका है, थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं। आप मुझे पता है आप लोग हमारे वीडियो को बहुत पर्सनली वेट कर दो, तो वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक और कमेंट करके हमें बताओ कि आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया इस सीन को। अगर आप लोगों ने फिल्म थिएटर में देखी थी तो किस लेवल के गूज़बम आपको आए यार, वो सब कुछ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। BGM देखो बहुत ही ज़बरदस्त का यार, DSP सर का BGM का तो कोई मुकाबला ही नहीं। स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में बड़े बड़े, मतलब यार इतने बड़े म्यूजिशियन है, इतना ज़बरदस्त लेवल वाला BGM बनाते, मतलब इंटरेस्टिंग लेवल का BGM बनाया, बहुत मजा आया सीरियसली। रिएक्शन बनाते बनाते इससे अच्छा, बेटर, बेस्ट और ब्लॉकबस्टर लेवल का क्लाइमेक्स सीन नहीं हो सकता। ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे धमाकेदार लेवल वाली फिल्म है यार। इससे पहले अल्लाह वेंकट अपरम अल्लू आई थी, उसके क्लाइमेक्स का भी हमने रिएक्शन बना दिया, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। वो भी बहुत जबरदस्त लेवल वाला, वो भी कुछ अलग हटकर, ये भी कुछ अलग हटकर यार। मतलब अल्लू अर्जुन तो यार मतलब ऑलराउंडर है यार, क्रिकेट के कपिल देव है। इनको मतलब सब कुछ आता है, इनका एक्शन देख लो, इनकी कॉमेडी देख लो, इनकी डायलॉग डिलीवरी देख लो, इनका जो डांस है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सब कुछ टॉप ऑफ द लेवल है यार। ये चीज़ें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को सीखनी चाहिए, बॉलीवुड के नए सो कॉल्ड टैलेंटेड एक्टर्स को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए यार। सब कुछ जबरदस्त लेवल वाला, ऊपर से श्रेयस तलपड़े की आवाज़ और अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर इतनी जबरदस्त लेवल की बिठी है यार। मतलब मजा आ गया, उनकी आवाज़ का तो मतलब दीवाना हो रखा हूँ मैं यार। लोगों ने बहुत पसंद करी इन आवाज़ को यार। हिंदी में पुष्पा का कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर हो चुका है। सीरियसली दोस्तों, आप फैन फॉलोइंग देखो यार, अल्लू अर्जुन और इनके मेकर्स ने सोचा नहीं होगा कि यार इस लेवल का सपोर्ट मिलेगा।
पर अल्लू अर्जुन का काम ही इतना जबरदस्त लेवल का यार, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे यार। बहुत ही जबरदस्त लेवल का कंटेंट बना यार, मजा आ गया। डायरेक्शन बहुत जबरदस्त लेवल वाला, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत जबरदस्त, आपको मतलब स्लो मोशन हेली एलिवेटेड सीक्वेंस देखने को मिलेंगे फिल्म में। बहुत ही जबरदस्त लेवल का सब कुछ, जबरदस्त लेवल वाली फिल्म 2021 की सबसे जबरदस्त लेवल वाली फिल्म। कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद इस फिल्म में 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस क्रॉस कर चुकी है। मतलब है इससे अच्छी और जबरदस्त लेवल वाली अचीवमेंट नहीं हो सकती। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो कि मैंने देखी है, मैंने बहुत एंजॉय किया। रिएक्शन बनाते बनाते अब तारीफ करना यार, मतलब करते रहो तारीफ यार। आप लोगों ने अगर रील्स बनाई है तो हमें यार जरूर बताना, आपकी रील्स को हम भी देखेंगे यार और लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से कर दो भाई के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।